आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज करी गई है इसका मतलब यहाँ पे आपको पे लेवल काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा हर टाइप के अलाउंसेस आपको देखने को मिलेंगे एचआरए डी आर ए एंड डिपार्टमेंट भी आपको अप्रोसीमेटली हर टाइप के कवर होते नजर आएंगे लाइक एंथ्रोपोलॉजी मैथमेटिक्स म्यूजिक एंड कॉमर्स ये सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे कवर होते नजर आएंगे प्लस अगर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पोस्ट सर्च करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ एंड सबसे अच्छी बात है हमें सैलरी बेस अच्छा होगा चलिए आगे आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है क्या प्रोसीजर रहेगा तो वीडियो को स्टार्ट करें तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है आप थोड़ा सा तो स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन का यहाँ पे आपको अपनी दे रखी है और रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले उसी पे आते हैं यहाँ पे आपकी दो टाइप की वैकेंसी है बैकलॉग एंड रेगुलर तो दोनों ही डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं कौन सी पोस्ट होतीज करेगी तो बैकलॉग में अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर एंड एसोसिएट की रिलीज करी करेगी असिस्टेंट की नहीं है बैकलॉग के अंदर रेगुलर के अंदर है आपकी तो बैकलॉग में आपके डिपार्टमेंट है लाइक भूटिया केमिस्ट्री चाइनीस कंप्यूटर एप्लीकेशन इकनॉमिक्स इंग्लिश हॉर्टिकल्चर इंटरनेशनल रिलेशन लो एंड लीम्बू मैनेजमेंट मैथमेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी नेपाली पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी सोशोलॉजी एंड टूरिज्म उसके अलावा रेगुलर वैकेंसी में जैसे मैंने आपको बताया तीनों टाइप की पोस्ट रिलीज करी गई है प्रोफेसर एसोसिएट एंड असिस्टेंट एंड इवन यहाँ पे डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है प्लस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जहाँ पे आपको सिर्फ अनरिजर्व के अंदर वैकेंसी देखने को मिले वहाँ पे कोई और कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उनको एक लॉस होता है उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं दैट सेट और एज रिलेक्स्यूशन भी नहीं मिलती है तो अब आते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट कवर करेगा टोटल सेवेंटीन डिपार्टमेंट है यहाँ पे फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट है कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस एडिकेशन जोग्राफ़ी जियोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन लिंबू मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स म्यूजिक नेपाली फ़िजिक्स साइकोलॉजी टूरिज्म एंड जोलजी उसके अलावा क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम टेन ही होगी एसोसिएट के लिए पीएचडी प्लस मिनिमम आपको एट ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और एज लिमिट आपको दे रखी है कितनी रहेगी कि, लेकिन जो एप्लीकेशन फीस है वो काफ़ी कम है <laughs> काफ़ी कम के एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एन वूमन एप्लीकेंट के लिए तो है ही नहीं एंड जोनल एंड ओबीसी वालों के लिए थाउजेंड रुपीज़ अपलीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो दे रखा है इवन यहाँ पे आपको हर टाइप के अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज़ करेगी तो आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे लेकिन अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है तो आपको ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइड नहीं करेगी यूनिवर्सिटी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू और आपको हर हाँ टाइप के लाउस मिलेंगे लाइक एच आई डी क्योंकि पर्मानेंट पोस्ट है एंड पे लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा उसके अलावा जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ करी गई है आपकी सिक्किम यूनिवर्सिटी से ठीक है इसकी ऑफिशियल साइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंशन कर दूँगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो बाकी अप्लाई करिए प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा टिल देन टेक केयर हैप्पी डे एंड स्टे सेफ